हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ, हाउ आर यू? यू ऑल विल बी फाइन. सो टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कशन द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड विच काइंड्स ऑफ द रिएक्शन कम अंडर इट. ओके, सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक. ओके, सो देखते हैं द कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल. सो दिस इज द एथेनॉल, इट इज वन काइंड ऑफ द एल्कोहल. एल्कोहल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक. ओके, सो all kinds of the alcoholic drink, so it is the ingredient, active ingredient के form पर use किया जाता है कौन? Ethanol. दूसरी property हुआ, तीसरा क्या है? ये good solvent है. good solvent का मतलब है कि एक अच्छा solvent है और किसी को भी अपने साथ में मिला लेता है. next देखिए, इसका use जो है medicine के field में किया जाता है, medical science के तौर पर की जाती है, in the form of tincture iodine के form पर use की जाती है. कफ के लिए यूज़ की जाती है, कफ सिरप के लिए यूज़ की जाती है, और मैनी काइंड्स के टॉनिक बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. किसका? एथेनॉल का. तो जो आप लोग घर में यूज़ करते हो मेडिकल साइंस में, जब आप लोग कभी बीमार पड़ते हो, कफ के लिए आपको जब सिरप दिया जाता है हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टरों के द्वारा, और टॉनिक जो आप लोग यूज़ करते हो साथ में, टिंचर आयोडीन जो यूज़ किया जाता है, वो सब एक तरीके के शराब होते हैं, एक तरीके के एथेनॉल होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ आल्सो सॉल्यूबल इन द वाटर. और जो एथेनॉल है वह वाटर के साथ भी सॉल्यूबल होते हैं, उसके साथ भी सॉल्यूट हो सकते हैं. इसमें हमें दो रिएक्शन पढ़ना है. रिएक्शन पढ़नी है सोडियम के साथ में. क्या है एथेनॉल का रिएक्शन? सोडियम रिएक्शन विथ सोडियम लिख दीजिए. फर्स्ट रिएक्शन आएगा रिएक्शन विथ सोडियम. जब सोडियम के साथ में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा? ओके, ये देखना है अपन लोगों को. और दूसरा रिएक्शन जो है अपन लोगों को तब देखना है इसके बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद. और दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन इन विच द अनसेचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड आर फॉर्म्ड. मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है एथेनॉल के बेसिस पर. तो फर्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन विद द सोडियम. तो देख लीजिए, सोडियम जो है यदि रिएक्ट करता है, देख लीजिए सोडियम यदि रिएक्ट करता है किसके साथ में? एथेनॉल के साथ में. एथेनॉल के क्या लिखते हैं अपन लोग? CH3CH2 और OH, यही है. एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या देगा बेटा? एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये सोडियम एथॉक्साइड देगा, और सोडियम एथॉक्साइड के साथ में जो है कुछ और चीज़ फॉर्म करेगा या निकालेगा. तो क्या चीज़ है उसको भी देख लेंगे आप लोग. हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. तो देख लीजिए इसमें क्या है, पहले किसमें बदलता है? मैं बोला हूँ अभी CH3CH, और जो इसका OH है CH2, और जो इसका OH है तो O यहीं रहेगा, और ये सोडियम जो है आकर के इसके साथ में ऐड हो जाएगा. क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि मैं बोला हूँ या बे बोला हूँ, ये सोडियम ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसके जगह पर खुद ऐड हो जाएगा. अब इसके साथ में क्या हाइड्रोजन बचेगा, और हाइड्रोजन जो है ऐसा लिखा जा सकता है हाइड्रोजन को. ओके, तो हाइड्रोजन ये एनवायरनमेंट में चली जाती है. इससे ऐसा भी सिग्नल आप लोग दे सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो. तो आप लोग 2 सोडियम भी कर दीजिए, इसको 2 ये भी कर दीजिए, तो 2 इसको भी कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन भी यहाँ आ जाएगा. ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आए होंगे. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? ये है सोडियम, ये इसको क्या बोलोगे आप लोग? एथेनॉल. एथेनॉल, वाई इट इज़ एथेनॉल? बिकॉज CH3 और CH2, इट इज़ द C2H5OH. इट इज़ आल्सो आई कैन राइट इज आल्सो लाइक दिस C2H5OH. ये इसका स्ट्रक्चर है यही. ओके, तो ये क्या है? एक तरीके का एथेनॉल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, इसी वजह से एथेनॉल जो है ऐसे लिखी जाती है. क्या होगा जब इसके साथ में ये रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है, तो सोडियम क्या करेगा? यहाँ से जाएगा और इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. जब इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो इसके जगह पर जाकर के खुद बैठ जाएगा. तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग होकर के H2 बना लेगा, और इसके जगह पर खुद बैठ गया तो यहाँ क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, और ये हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन जो है क्या चले गए? एक तरीके गैस है, और ये एनवायरनमेंट में चली जाती. तो ये एरो सिग्नल जो है एनवायरनमेंट में जाने के लिए बनाई जाती है. ओके, बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की. तो दूसरे रिएक्शन आप लोगों के सामने हैं जिसमें क्या बोला गया है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं कार्बन के. क्या बनते हैं? रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड. ओके, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो अनसेचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड बनते हों. हीटिंग किया जाता है एथेनॉल को 443 केल्विन पर, एक्सेस टू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर. रिजल्ट क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है, और एथेनॉल जो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? एथेन में. ओके, तो इसको मिटा दूँ मैं, एथेन में कन्वर्ट हो जाता है. इसको मिटा दूँ, चलिए इसको नहीं मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, रिएक्शन टू गिव अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ लिख दीजिए.
रिएक्शन नहीं नहीं इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, इसको मिटा देते हैं अपन लोग। चलिए ये मैं ये वाले हिस्से को ले लेता हूँ। यस, इसमें अपन लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। सेकेंड रिएक्शन इसमें क्या होगा, रिएक्शन टू गिव, लिखिए रिएक्शन टू गिव, क्या क्या देना है इसमें, रिएक्शन टू ग्रिप अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिले। कंपाउंड कैसा होगा ये रिएक्शन, जब एथेनॉल का रिएक्शन आप किससे, एथेनॉल का रिएक्शन जब आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इसके H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा ये, SO4 के प्रेजेंस में बनाएगा। तो सबसे पहले ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में बदल जाता है और ये यहाँ एक H2O फॉर्म हो जाती है। तो क्या है यहाँ, एथेनॉल जो है रिएक्शन का, एथेनॉल जो है, एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा ये बनाएगा एथीन प्लस वाटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जानी चाहिए। ओके, एथीन प्लस एल्कोहल क्या होता है, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या होता है, व्हेन एथेनॉल इज हीटेड, यदि एथेनॉल को हीट किया जाए तब क्या होती बेटा, हीटेड इनटू द 443 केल्विन विथ एक्सेस इन 443 केल्विन इन एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इन रिजल्ट क्या करता है, इन रिजल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता देता है बेटा, ये एथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एथीन में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव एथीन। ओके, डिहाइड्रेशन रिजल्ट, डिहाइड्रेशन एथेनॉल टू गिव एथीन। ओके, तो डिहाइड्रेशन होता है एथेन का, एथेनॉल का, और वह एथीन में बदल जाता है। एथीन में कैसे बदल गया ये देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द एथेनॉल। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2 मॉलिक्यूल्स का बाहर होना। जब कभी भी आप लोग देखते होंगे धूप में खड़े रहते हो, धूप में काम करते हो आप लोग, तो उस टाइम पे हमारे अंदर बॉडी में अचानक से वाटर की कमी होने लगती है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यही यदि हम सेम बात करें इस रिएक्शन पे, तो ये एथेनॉल है, इसका डिहाइड्रेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से जो H2O है वह रिमूव होता है, तो H2O रिमूव होता है और ये अपने आप में एक अलग से मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स। तो इसकी जगह में हाइड्रोजन की कमी होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या, हाँ हाइड्रोजन एक है और ऑक्सीजन एक है, लेकिन एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से रिमूव होगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा, तो इसके पास कितने बचेंगे, CH3 है अभी, अब इसके पास CH2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होना है, तो CH2 और CH2 बचेंगे। तो ये CH2 और CH2 बच गए, अभी डबल बॉन्ड कैसे आ गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना रहता है, टेट्राबैलेंसी शो करता है कार्बन, तो ये टेट्राबैलेंसी शो करता है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो दो ही अपने साथ में रखा है ना, और दो यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से इसके साथ में रिएक्ट होते हैं और ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और उसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की और उसकी रिएक्शन की। तब तक खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।